दिस इज शिवम एंड वेलकम टू द इंडियन रैंक। तो आज हम इस वीडियो में MI राउटर 4C की स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन प्रोसीजर देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी आसानी से MI राउटर को इंस्टॉल या सेटअप कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले इस राउटर के लुक की बात करें तो ये बहुत ही स्लिम है और इसके चार एंटेनाज है। चार एंटेनाज है वो एडजस्टेबल है और आप इसे बड़ी आसानी से 360 डिग्री घुमा भी सकते हो। आप इस एंटेनाज को कवरेज के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो और इसके साथ आपको यहाँ पर नीचे दो LED लाइट भी दिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और इस राउटर को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करके इसका सेटअप हम स्टार्ट करते हैं। इस राउटर में यहाँ पर दो पोर्ट दिए गए है, एक इथरनेट का है और एक रीसेट का है। अब आप इस राउटर को इस इथरनेट केबल के साथ कनेक्ट करें और पावर को ऑन करें। पावर सप्लाई को ऑन करते ही राउटर की इंडिकेटर लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। हमें इस राउटर को कनेक्ट करना है MI वाईफाई से। वाईफाई को प्ले स्टोर में से इंस्टॉल कर सकते हैं जो हमने इंस्टॉल करके रेडी रखा है। हम मी वाईफाई को ओपन करते हैं और सेटअप अ न्यू राउटर पर क्लिक करते हैं। न्यू राउटर पे यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो इंटरनेट कनेक्शन डिटेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना वाईफाई नेटवर्क नेम और पासवर्ड सेटअप कर लेना है। यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि मैंने अपना वाईफाई नेटवर्क का नेम और पासवर्ड सेटअप कर लिया है, उसके बाद आपको यहाँ फिनिश पर क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसकी स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि डाउनलोड स्पीड 35.8 Mbps की मिल रही है और अपलोड स्पीड 23.6 Mbps की मिल रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन रैंक।